नमस्कार। बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल के जंगलों में, अभी झारग्राम में हूँ मैं, मेरी टीम पूरी यहाँ पे लगी हुई है, काम कर रही है, राहुल और उसके सब लोग, और मैं भी यहाँ पे हर हफ्ते आता रहता हूँ। ये बता सकता हूँ कि बंगाल में जितना हो उतना बंगाल आपको वापस से पुकारता है, क्योंकि बंगाल की खूबसूरती ऐसी है। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यहाँ की राजनीति बड़ी हिंसक हो चुकी है। अब क्या हो रहा है बंगाल में 2019 के बाद में ये हो रहा है बंगाल के अंदर कि ममता बनर्जी अपनी इमेज चेंज करने की कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 2021 का जो बंगाल चुनाव होने वाला है वो सिर्फ जय श्री राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती। और ममता बनर्जी को पता है कि अगर वो 2021 का चुनाव जीतना चाहती है तो वो इस प्रेजेंट इमेज में नहीं जीत सकती। मैं वापस से कहूँगा, 21 में बीजेपी के लिए जो मेन कैंपेनर होने वाले हैं वो नरेंद्र मोदी ही होंगे और उनके मुकाबले का कोई भी व्यक्ति नहीं है। पर इस बार इम्पॉर्टेंट ये है कि संगठन ग्राउंड लेवल तक बीजेपी का बिल्ड हो, और जो परगनाज वाले एरिया है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर रही है, जहाँ पे लाखरी फेजेस में उसको 0 सीट मिली थी, वहाँ पे वो इम्प्रूव करे। तो बंगाल चुनाव में बहुत ही कम समय बचा है, क्योंकि बीजेपी के लिए अगर इस बार वो बंगाल नहीं जीत पाई तो शायद बहुत 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 समय तक नहीं जीत।